विचारितवन्तः। दैवज्ञः ग्रहगतिं परिशील्य उक्तवान्, न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपि तु आगामी वर्षत्रयपर्यन्तम् अत्र वृष्टिः न भविष्यति इति। कस्मिंश्चित् ग्रामे, मतलब होता है किसी ग्राम में, अनावृष्टि ही मतलब होता है अकाल या सूखा। पान जलस्य मतलब पीने के पानी का अभाव, अभाव मतलब होता है कमी। दैवज्ञ, दैवज्ञ मतलब ज्योतिष या जो भविष्यवक्ता होते हैं उन्हें कहते हैं दैवज्ञ। परिशील्य, अध्ययन करके या समझ करके। आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम, आने वाले 3 वर्ष तक, आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम बोले तो आने वाले 3 वर्ष तक। चलिए देखते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टि आसीत्, किसी ग्राम में बहुत समय तक अकाल सूखा था। भूमि शुष्का जाता, भूमि सूख गई। पान जल से अपि अभाव जाता, पीने के पानी का भी अभाव हो गया। तदा जनाः दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः, तब लोग ज्योतिष के पास जाकर विचार करवाए। दैवज्ञ ग्रह गतिं परिशील्य उक्तवान्, ज्योतिष ने ग्रहों की दशा का अध्ययन करके बताया। न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्ष त्रय पर्यन्तम् अत्र वृष्टिः न भविष्यति इति। मात्र इस वर्ष में ही नहीं अपितु आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ बरसात नहीं होगी। तो किसी गांव में बहुत समय तक अकाल सूखा था, अकाल हो गया था, वहां पर भूमि भी सूख गई थी, पीने के पानी का भी अभाव हो गया था। तब उस गांव के लोगों ने ज्योतिष के पास जाकर विचार करवाया कि ऐसा इस गांव में क्यों हो रहा है। तब ज्योतिष ने ग्रहों की दशा देखा और ग्रहों की दशा का अध्ययन करके बताया कि ये जो अकाल का समय चल रहा है, ये अभी ही नहीं, आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ सूखे की ही स्थिति बनी रहेगी, अकाल की ही स्थिति बनी रहेगी। फिर आगे है, तत श्रुत्वा ग्रामवासिना सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः, स ग्राम एव निर्जनः जातः, परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। जलाभावे अपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्कं क्षेत्रं कर्षन् आसीत्। जीवनार्थम मतलब होता है जीने के लिए, यत्र कुत्रापि मतलब होता है जहां कहीं भी, स्थितवान मतलब होता है रहता था या रुका रहा, जलाभावे अपि मतलब पानी के अभाव में भी, कर्षन आसित मतलब जोत रहा था। अब इसमें है, तत श्रुत्वा ग्रामवासिना सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः, यह सुनकर सभी ग्रामवासी जीवनार्थ मतलब जीने के लिए जहां कहीं भी चले गए। सह ग्राम एव निर्जनः जाता, वह गांव ही निर्जन हो गया, परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्, किंतु उस समय में भी उस गांव का एक किसान वहां रुका रहा या वो वही रहता था। और जलाभावे अपि सह प्रतिदिनं स्वशुष्क क्षेत्र कर्षन आसीत्, जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन अपने सूखे खेत को जोतता रहा, मतलब उसमें कृषि करता रहा। सभी को पता चल गया था कि आने वाले 3 वर्ष तक इस गांव में सूखे की ही स्थिति रहेगी। सभी गांववासी जो थे अपने जीवन जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जहां उनको राह मिली वहां वो चले गए और गांव में कोई भी न बचा, वो गांव निर्जन हो गया। किंतु उस समय में भी एक किसान ऐसा था जो वही रहता था, मतलब वो कहीं नहीं गया, वो गांव में ही रुका रहा। और गांव में रहते हुए जल नहीं होने के बाद भी वह प्रतिदिन अपने
सूखे खेत में हल चलाता था। फिर देखिए उसके बाद है, एकदा आकाशे एका मेघा संचरन आसीत, सह कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम अपृच्छत्। हे कृषक, अत्र त्रिवर्ष पर्यन्तं वृष्टि न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्? तत्कारणेव सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गतः, तथापि भवान किमर्थम इदम शुष्कम क्षेत्रम वृथा करशति इति। एकदा मतलब एक दिन, संचरण मतलब घूमते हुए, परित्यज्य मतलब छोड़कर, तथापि मतलब फिर भी, वृथा मतलब व्यर्थ में। देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। एकदा आकाशे एकः मेघः संचरन् आसीत्, एक दिन आकाश में एक बादल गमन कर रहा था या एक बादल घूम रहा था। सह कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम अपृच्छत्, उसने किसान को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए उससे पूछा, हे कृषक, हे किसान, अत्र त्रिवर्ष पर्यन्तं वृष्टि न भविष्यति, यहाँ तीन वर्ष तक बरसात नहीं होगी, इति किं भवता न श्रुतम्? ऐसा क्या आप द्वारा नहीं सुना गया? तत्कारणेव सर्वे जनाः ग्राम परित्यज्य यत्र कुत्रापि गतः, उस कारण से ही सभी लोग गांव को छोड़कर जहां कहीं भी चले गए। तथापि भवान किमर्थम इदम शुष्कम क्षेत्रम वृथा कर्षति इति, फिर भी आप किस लिए इस सूखे खेत को व्यर्थ में जोतते हैं? फिर जो किसान नहीं गया था, जो उस गांव में रहता था और अपने सूखे खेत में हल चलाता था, एक दिन एक बादल आकाश में घूम रहा था, तो अचानक उसकी दृष्टि उस किसान पर पड़ी जो अपने सूखे खेत में हल चला रहा था। वह आता है उनके पास और कहता है कि, आश्चर्य से पहले उनको देखता है कि ये क्या हो रहा है, फिर उनसे पूछता है कि हे किसान, यहाँ तो तीन वर्ष तक बरसात नहीं होगी, ऐसा भविष्यवाणी हुआ है, तो क्या आपने नहीं सुना है? और कहता है कि इसी कारण से तो ये पूरा गांव खाली हो गया है, पूरे गांव के लोग इसे छोड़कर जहाँ कहीं भी चले गए हैं, फिर भी आप इस सूखे खेत में क्यों हल चला रहे हो? सूखे खेत को क्यों जोत रहे हो? इससे क्या होने वाला है? फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए, तदा कृषका अवदत् सर्वे विषया मया ज्ञाता है, किंतु त्रिवर्षम यावत् यदि अहम कृषि कार्यम न करोमि तरहि त्रिवर्षानन्तरम यदा वृष्टि भवसि तदा मम कृषि कार्यम विस्मृतं भवेत्, तावत् मम क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यासः एव नष्टं भवेत्, अतः एव अस्य कार्यस्य विस्मरण परिहार्थम् अहम् इदानीमपि कर्षामि इति। अनन्तरं मतलब पश्चात्, विस्मृतं मतलब भवेत्, भूल जाएगा, विस्मृतं भवेत् मतलब
भूल जाएगा, परिहारार्थम मतलब दूर करने के लिए, इदानी मतलब इस समय, करशामी मतलब जोतता हूँ। तदा कृषका अवदत सर्वे विषय मया ज्ञाता एव, तब किसान बोलता है सभी विषय मुझे ज्ञात है, किंतु त्रिवर्षम यावत यदि अहम कृषि कार्यम न करोमि, किंतु 3 वर्ष तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करता हूँ, तरही त्रिवर्षानंतरम यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यम विस्मृतम भवेत, यदि 3 वर्ष पश्चात जब बरसात होगी तब मुझे कृषि कार्य विस्मृत हो जाएगा, मतलब मैं कृषि कार्य भूल जाऊंगा, तावद मम क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यासः एव नष्टम भवेत, तब तक मेरा खेत में हल चलाने का अभ्यास ही नष्ट हो जाएगा। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरण परिहारार्थम अहम् इदानीमपि करिष्यामि इति, इसलिए इस कार्य के विस्मरण को दूर करने के लिए मैं इस समय भी खेत में हल चलाता हूँ। तो किसान कहता है कि मुझे भी सारे विषय ज्ञात हैं कि 3 वर्ष तक इस गांव में वर्षा नहीं होगी, यहाँ सूखे की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यदि मैं 3 वर्ष तक हल नहीं चलाऊंगा और कृषि कार्य नहीं करूंगा तो हो सकता है 3 वर्ष बाद जब पानी का यहाँ पर पूर्णता हो जाए, पानी पूरी तरह से मिले और कृषि कार्य शुरू हो जाए, तो हो सकता है कि मैं अपने कृषि कार्य को भूल जाऊंगा। इस तरह से वह बादल को ये बात याद दिलाता है। तत श्रुत्वा मेघ साधु साधु इति वदन चिंतितवान यदि अहम अपि त्रिवर्षम यावत् न वर्षामि तरही मया अपि वर्षणम विस्मृतम भवेत्, अतः अहम अधुना एव वर्षामि इति, ततः सह झटेति सर्वान मेघान आहुय कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान, तदा तत्र सुवृष्टि अभवन, सर्वे अपि ग्रामवासिना आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरब्धवन्तः। साधु साधु मतलब अच्छा अच्छा, वदन मतलब बोलता हुआ, चिंतितवान मतलब सोचा, अधुना मतलब अब या इस समय, झटिति मतलब शीघ्र या तुरंत, आहुय मतलब बुलाकर, प्रार्थितवान प्रार्थना किया, सुवृष्टि मतलब अच्छी बरसात, आरब्धवंतः मतलब शुरू किए। तो यहाँ पर बता रहा है कि तत श्रुत्वा मेघ साधु साधु इति वदन चिंतितवान, यह सुनकर बादल अच्छा अच्छा ऐसा बोलते हुए सोचने लगा, यदि अहम अपि त्रिवर्षम यावत् न वर्षामि तरहि मया अपि वर्षणम विस्मृतम भवेत्, यदि मैं भी 3 वर्ष तक नहीं बरसता हूँ तब मुझे भी बरसना विस्मृत हो जाएगा, मतलब मैं भी बरसना भूल जाऊंगा, अतः आम अधुना एव वर्षामि इति, इसलिए मैं भी इस समय ही बरसता हूँ। तथा स झटिति सर्वान मेघान आहुय कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान, उसके बाद उसने तुरंत सभी बादलों को बुलाकर कृपया बरसे ऐसी प्रार्थना किया, तदा तत्र सुवृष्टि अभवत तब वहां अच्छी बरसात हुई, सर्वे अपि ग्रामवासिना आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरब्धवन्तः, सभी ग्रामवासियों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने खेतों में कृषि कार्य शुरू कर दिए। एतस्मिन् संदर्भे वयम् इदं पद्यं स्मरामः, इस संदर्भ में हम इस पद्य को याद करते हैं, अभ्यासो न ही तैवक्तव्यः अभ्यासो न ही परम बलम् अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, अभ्यासो न ही तैवक्तव्यः मतलब अभ्यास त्यागने योग्य नहीं है, अभ्यासो ही परम बलम अभ्यास सबसे बड़ा बल है, अनभ्यासे विषम विद्या अभ्यास के बिना विद्या विष है, अजीर्णे भोजनम विषम अपच में भोजन विष के समान है। तो
अभ्यास जो है उसे कभी त्यागा नहीं जाता है, अभ्यास ही सबसे बड़ा बल होता है। अभ्यास के बिना जो विद्या है वो हमारी विष के समान हो जाएगी, और जिस प्रकार अपच में भोजन विष के समान होता है। तो ये चैप्टर आपको समझ आया? यस मैम। सभी को आ गया? सभी को आया चैप्टर समझ में? यस मैम। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर को आज रीड करेंगे, पढ़कर देखिए। आप जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो कल आप मुझसे क्लास में बोल सकते हो। और कहीं किसी को कुछ डाउट है इस चैप्टर में? किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, तो आज आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे। ये आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को रीड करना है। कल इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे दोगे। ओके? यस मैम। क्लास को थैंक यू मैम। ठीक है, क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।